हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन चैनल नीटेज माइंड, एंड हियर वी आर विद अनदर सेशन फॉर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज फॉर क्लास 12। दिस इज पार्ट नंबर 7, एंड हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट लैक ऑपेरॉन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द टेलीग्राम हैंडल, इनकेस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग हमारे चैनल पर ट्यून रहे। अदर देन दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इफ सो स्टार्टिंग विद द लैक ओपिनियन, सो व्हाट लैक ओपिनियन इज, ठीक है, हम सब तो देखते हैं कि किसने ये चीज बनाई है ना, किसने ये चीज स्टडी की, एंड लैक ओपिनियन में ओपिनियन क्या होता है और लैक क्या होता है, ठीक है, हम वो चीज स्टडी करेंगे। चलो, सो हियर केम्स टू डिफरेंट साइंटिस्ट, दैट इज योर जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड, दीज आर द टू साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने रिजल्ट्स निकाले, हु स्टडीड लैक ओपिरोन, ठीक है, दीज आर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया। नाउ द थिंग इज, इट इज कंटेनिंग ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, लैक एंड ओपिरोन, ठीक है। लैक हियर स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक्टोज इज वन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, लैक्टो शुगर होती है एक, जो कि कहाँ पाई जाती है, मिल्क के अंदर पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा लैक्टेज है ना। और ओपिरोन क्या होता है, ओपिरोन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, तो वी विल बी गोइंग टू राइट दैट ओनली, ओपिरोन, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉली सिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर रेगुलेटेड बाय विच आर रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर्स एंड रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। ये हम लोगों ने जब हमने किया था ना, डिस्कस किया था एक्सप्रेशन ऑफ जीन, उसमें हमने कहा था कि तीन चार होते हैं, उसमें एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक रेगुलेटर होता है ना, तो उसी के कंबाइन करके हमने एक डेफिनेशन बना दी ओपिरोन की। तो इस ओपिरोन को जब लैक्टोज कंट्रोल करेगा, दैट इज, इट इज नोन एज लैक ओपिरोन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ओपिरोन हो सकते हैं हमारे पास, बट वी आर नॉट, देयर इज नो नीड टू स्टडी दैट, हमारे पास लैक ओपिरोन है, तो वी विल गो विद दैट ओनली। अब इसके अंदर क्या क्या होता है लैक ओपिरोन के अंदर, देयर इज वन आई जीन, या फिर आप लिखोगे वन रेगुलेटरी जीन, जिसे आप लोग आई से डोनेट करोगे, ठीक है, आई। अब हियर आई डजंट मींस कि ये, इसका मतलब है आपका इंड्यूसर, ठीक है, आई हियर डजंट रेफर्स टू, आई हियर डजंट रेफर्स टू इंड्यूसर, ठीक है, आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है। हाउएवर ये जो आई होता है ना, ये एक्सप्रेशन से ड्राइव होता है जीन्स के, ठीक है। इसके बाद एक आपके पास यहाँ पे होगा ऑपरेटर, एक प्रमोटर भी होगा, देन एक ऑपरेटर होगा, और देन स्ट्रक्चरल जीन्स होएंगे। स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होएंगे, जेड, वाई एंड ए, ये तीन आपको स्ट्रक्चरल जीन्स होएंगे। मूविंग ऑन टू अ रिप्रेजेंटेटिव व्यू ऑफ लैक ओपिरोन, लैक ओपिरोन आपको दिखाई कैसे देता है, हम वो चीज स्टडी करते हैं, और क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो भी हम स्टडी करते हैं। सो
here comes is your P, then is your regulatory gene I, then comes is your promoter, again P, then comes is your operating genes O, then comes is your Z, structural genes Y and A. This is a representation of your lac operon. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है आपके लैक ओपिरोन की. नाउ हम सबसे पहले करेंगे स्विच ऑफ कंडीशन, जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा, जीन कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा. क्या होता है कि जो रेगुलेटरी जीन होता है वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन कोड करता है. रेगुलेटरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल. इसने आपका बनाया एम आर एन ए, दैट इज अ रिप्रेसर एम आर एन ए. रिप्रेसर मतलब जो कि किस चीज को रिप्रेस करेगा जाके, या फिर अगर ये चीज रिप्रेस नहीं हुई तो ये जीन एक्सप्रेशन देगी जाके. ठीक है, तो यहां से आपका एमआरएनए बन गया. एमआरएनए के बाद इसमें ना लैक्टोस नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोस बना रहे हैं ये लोग. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोस मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लैक ऑपिरोन है और उसके अंदर लैक्टोस नहीं है तो उसके बॉडी में क्या क्या होता है वो देखते हैं. तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल बन गया, रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने एमआरएनए को रिप्रेसर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया. अब जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है आपका बिल्कुल फ्री है ना, कहीं भी जाके बाइंड हो सकता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है यहां से उठता है और ये सीधा ऑपरेटर में जाके बाइंड हो जाता है. ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहां जाके बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा. ठीक है, अब जब ये रिप्रेसर के ऊपर बाइंड हो जाएगा तो यहां पे आपका एंजाइम नहीं आ पाएगा, है ना. एंजाइम मतलब आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा यहां पे. रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये भी, ठीक है, दिस इज अगेन रिप्रेसर मॉलिक्यूल ओनली. अब जब इसके ऊपर बाइंड हो गया तो यहाँ पे आपका क्या नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आपका आर एन ए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा. इसके ऊपर मारते हैं रेड कलर का कांटा कि ये चीज यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाएगी. जब ये चीज आके यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और यहाँ पे कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं आएगा. एज अ रिजल्ट नो जीन एक्सप्रेशन विल बी सीन हेयर. ठीक है, क्योंकि क्या है कि इस मीडियम में लैक्टोस ही नहीं है. तो क्या किया, रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बाइंड कर दिया कि तू, मैं कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें, जब तक मेरे पास लैक्टोस नहीं आएगा, मेरा खाना नहीं आएगा मेरे पास, तब तक मैं तुम्हें फ्री नहीं करूंगा. ठीक है, सो दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोस. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज योर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस. नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस. अब अगर जो आपका सेल है या वेयर एवर जो भी है जहां पे ये लैक ओपिरोन प्रेजेंट है, वहां पे अगर जो आपका लैक्टोस अबंडेंट में है तो क्या होगा, लेट्स सी दैट. दिस इज योर पी, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती बनाने की. दिस इज योर आई. ओके, आई को इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. This is your I, this is your promoter gene, this is your operator gene, and here is Z, Y, and A. ठीक है, अगेन सेम चलेगा, ये एक रिप्रेसर mRNA निकालेगा. देन इससे एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा. ट्विस्ट यहां पे आएगा. यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या पड़ा है, सपोज हेयर वी हैव इज योर लैक्टोस. यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैक्टोस पड़ा हुआ है, बहुत सारा लैक्टोस है. वी डोंट नो कितना है बट बहुत सारा है. सो कलर कलर ओके, ये आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना हुआ है. दिस इज योर
रिप्रेसर मॉलिक्यूल। अब रिप्रेसर मॉलिक्यूल का खाना क्या था? लैक्टोस। उसे लैक्टोस मिल गया तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल किसके पास जाना पसंद करेगा? लैक्टोस के पास, ठीक है। तो क्या होगा, लैक्टोस इसके ऊपर आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब लैक्टोस इसके ऊपर आके बाइंड हो गया तो ये आगे प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये यहां पे ऑपरेटर के ऊपर जाके नहीं चिपक पाएगा, ठीक है। ऑपरेटर के ऊपर जाके ये नहीं चिपक पाएगा, अब जब ये यहां नहीं आएगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज फ्री पड़ा है बिल्कुल, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा जीन एक्सप्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर आ गया हमारे पास, और जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर आएगा आपकी जो कोडिंग है स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रक्चरल जीन अपना एक्सप्रेशन शुरू कर देगा देना, जो कि अगर जो आपको ये है जेड है तो जेड से आपको बनेगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वाई, तो वाई से आपको बनेगा परमीएज, एंड देन लास्ट इज योर, दैट इज योर ए, दैट विल फॉर्म ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है वो भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, ओके। बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, तीन है ना हमारे पास। अब जब ये एक्सप्रेशन हो गया, जीन्स ने अपना काम कर दिया, तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है, एंजाइम्स बने, ये क्या क्या करेंगे वो हमें स्टडी करना है। ये करेंगे आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। देन परमीएज, नाम से भी चल रहा है कि परमेबिलिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज सेल परमेबिलिटी, ठीक है। मेक सेल परमीएबल भी लिख सकते हो आप लोग, या फिर नेक्स्ट जो आता है आपको ट्रांस एसिटाइलेज, उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको खत्म करना, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन आता है। तो जब आप देखिए लैक्टोस प्रेजेंट है तो उसकी कंडीशन क्या है कि उस समय भी ये वर्क कर रहा है, जबकि लैक्टोस जब एब्सेंट था तो इसने वर्क करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये दो कंडीशन से आपको पेपर में पूछी जा सकती है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। नाउ यहां पे लैक्टोस क्या एक्ट कर रहा है, लैक्टोस हियर इज वर्किंग एज, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोस इन रोल लैकोपिरोन। लैक्टोस इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब खाना, फॉर द एंजाइम्स, जो भी यहां पे एंजाइम बने उसके लिए क्या है, ये सबस्ट्रेट है, एंड इट हेल्प्स इन स्विचिंग ऑन और ऑफ द ओपिरोन, है ना। ओपिरोन को अगर जो लैक्टोस होगा तो वो ऑन रहेगा, मतलब एक्सप्रेशन देता रहेगा, बट अगर जो लैक्टोस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, तो जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं हेंस इट इज कॉल्ड एज इंड्यूसर, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, इट एक्ट एज इंड्यूसर, ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन राइज कि जब लैक्टोस नहीं होता तो क्या जो आपका ये वो होता है पूरा तरह से बंद हो जाता है ना। सो क्या होता है कि जैसे ही लैक्टोस खत्म हो गया तो परमीएज बनना बंद हो गया, जब परमीएज बनना बंद हो गया तो आपकी सेल वॉल तो स्टिफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, है ना। फिर जब अगली बार फिर लैक्टोस आएगा, आपकी सेल वॉल को फिर से परमीएबल बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होगा कि जीन एक्सप्रेशन डीले हो जाएगा। इस डीले को रोकने के लिए क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोस इज
ऑलवेज प्रेजेंट है ना, लैक्टोज कभी खत्म ही नहीं होता। ये कि एक मिनिमम क्वांटिटी रहेगी रहेगी, बट एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए होती है एक्सप्रेशन को देने के लिए, है ना। तो वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा जब वो लैक्टोज का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, बट सेल परमिएबल रहेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लैक्टोज अबंडेंस में आए तभी स्टार्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वो एकदम निकलना शुरू हो जाए, है ना, तभी एकदम सारे एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर जब आप लोग लैक्टोज बिल्कुल खत्म कर दोगे ना तो उसको अगेन स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना। जैसे आप कोई मशीन है, एक बार जब आप उसे चला रहे हो तो वो चलती रहती है जब तक उससे आपने काम करना है, बट जब आप उसे बंद करते हो तो उसको आपको फिर काम करना है, दोबारा से काम करवाना होता है, जब उस मशीन से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के लिए बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ताकि इसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो जाए, है ना। लैपटॉप ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, ये तो नहीं आप सीधा ऑन करते सारी, हाँ ये ओपन करो वो ओपन करो, पहले आप लोग रिफ्रेश करते हो। तो सिमिलरली बॉडी को भी अगर आप कोई चीज खत्म कर रहे हो और वो चीज दोबारा दे रहे हो तो बॉडी भी रिफ्रेश होती है उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसलिए लैक्टोज हमेशा थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता ही होता है। तो क्वेश्चन आएगा अगर देखिए क्या लैक्टोज बिल्कुल खत्म हो जाता है लैकोपेरोन में, योर आंसर शुड बी नो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लैकोपेरोन, ठीक है। लिख लेते हैं, अ वेरी लो लेवल ऑफ expression of operon has to be present all time, otherwise agar jaisa nahi hua otherwise lactose cannot एंटर दी सेल, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन बंद हो गया तो लैक्टोज आपका एंटर ही नहीं कर पाएगा। सो फॉर कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन small amount of lactose is always present, ठीक है। देन इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट रेगुलेशन ऑफ, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। ये नेगेटिव है, लैकोपेरोन इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव का नहीं है, ये नेगेटिव रेगुलेशन है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू योर HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास, ठीक है। बस आपको बताना चाहिए HGP क्या है, ये सब पहले तो इसमें हम पॉइंट्स लिख लेते हैं बस, इंपॉर्टेंट। इट इज लॉन्च्ड इन 1990 एंड एंड इन 2003, दैट इट इज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद क्या था इसमें कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, इन दिस प्रोजेक्ट ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन DNA स्टडीड, है ना, इस सबको स्टडी किया गया था ताकि पता लगाया सके कि किस जीन से क्या हो रहा है, ठीक है। इससे पता लगाया गया था अलोंग विद ह्यूमंस फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म
लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, इंपॉर्टेंट नेम है ये, ठीक है, साइंटिफिक नेम है ये। जेनेटिक कंटेंट आर ऑल्सो स्टडीज, इनका भी साथ में स्टडी कर लिया था। ठीक है, इन सबको भी स्टडी कर दिया गया था। ओके, ये हो गया। और इस प्रोजेक्ट में क्या था? बस आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो, या फिर आज रात को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जो आपने लैक ऑपरेंड पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर जो आपका लैक ऑपरेंड क्लियर नहीं हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू क्लियर दिस लैक ऑपरेंड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसमें तो आपको रट्टे मारने हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर ये पॉइंट पता होगा तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता होगा तो आंसर नहीं सॉल्व होगा। सो आई विल ट्राई कि इसका सेशन आज ही शेड्यूल कर लेते हैं, थोड़ा शाम को या रात को, देन वी विल कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर ओनली। क्योंकि ये चैप्टर है ना, थोड़ा धीरे धीरे समझने वाला है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कोई छोटी चीज नहीं है, इट इज अगेन अ वेरी लार्ज टॉपिक। सो वी विल कंटिन्यू द सेम फ्रॉम टुमोरो, ठीक है? टुमोरो तो नहीं, आई विल ट्राई कि आज ही हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय। आप लोग आज लोग लैक ऑपरेंड स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।